शांति तिग्गा, शायद ये नाम बहुत से लोगों ने ना सुना हो, लेकिन बेचारी अकेली महिला और अकेली माँ क्या कर लेगी, इस सोच को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। शांति तिग्गा इंडियन आर्मी की पहली फीमेल जवान थी जिसे उन्होंने अपने टैलेंट की बदौलत हासिल किया था। 35 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ होकर उन्होंने इंडियन आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया था, साथ ही अपने हौसले की बदौलत बेस्ट ट्रेनी का मेडल भी हासिल किया था। चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। दोस्तों, सिर्फ 17 साल की उम्र में शांति तिग्गा की शादी कर दी गई। वे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली थी, लेकिन 2 बच्चों के बाद और अपने पति की डेथ के बाद वे विधवा हो गई और अपने पति की नौकरी के आधार पर रेलवे में उन्हें नौकरी मिल गई। रेलवे में 5 साल की नौकरी के बाद उन्हें आर्मी में भर्ती होने की इच्छा हुई। साल 2011 में उन्होंने आर्मी के फिजिकल टेस्ट के दौरान पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने 1.5 किलोमीटर की दौड़ को पुरुषों के मुकाबले 5 सेकंड पहले पूरा कर लिया था और बंदूक चलाने के टैलेंट की वजह से वो इंस्ट्रक्टर्स को काफ़ी इम्प्रेस कर चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड भी मिला था और जिस पर उन्हें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पुरस्कृत किया था।